हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी एडिटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी का जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है, उस एग्जिट एग्जाम में आने वाले सभी आठों सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर वाइज जीडीसी क्लासेस ऐप पे टेस्ट चलाया जा रहा है। जी हाँ, ये जो टेस्ट इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपको एक आइडिया लग सके, अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सके कि किस प्रकार के आपके एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी लोगों के लिए। ये टेस्ट हेल्पफुल हो रहा है, डेली 1 मई से ये लगातार चलता रहा है, और उसी कड़ी में जो आपका सब्जेक्ट आपका चल रहा है वो आपका कंप्लीट आपका फ्री टेस्ट है, फ्री है, और आप घर बैठे दे सकते हो, अपने फ़ोन से दे सकते हो, कोई पैसा नहीं लगना है, कोई इसमें मनी नहीं लगनी है, इसको घर बैठे आप दे सकते हो। ठीक है, तो उसी आपका कड़ी में जो कह सकते हो, जो पिछला टेस्ट हुआ था ना, पिछला टेस्ट किसका था आपका, 28 मई को हुआ था, जिसमें फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 का ये पार्ट नंबर 1 था, जिसमें 30 MCQ पूछा गया था। टोटल आपका कह सकते हो यहाँ पे 45 मिनट का ड्यूरेशन था। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन था डियर? आपका यूनिट ऑपरेशन, साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, उसके बाद आपका कह सकते हो मिक्सिंग, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन था। 30 MCQ थे, उन्हीं में से कुछ गिने चुने क्वेश्चन को हम यहाँ पे निकालेंगे, देखेंगे और आपको बताएंगे, एक आइडिया लग सके किस प्रकार के क्वेश्चन आपका बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो टेस्ट देना है तो सिंपली आपको जीडीसी क्लासेस ऐप, जी हाँ, जीडीसी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहाँ पे जाओगे, लॉग इन करोगे, रजिस्टर करोगे, उसके बाद आपका बैचेस का साइन आएगा। जी हाँ, बैचेस का साइन आएगा, तो बैचेस के साइन में नीचे प्लस का बटन होगा, प्लस के बटन में आपको स्मॉल लेटर में DPEE, स्मॉल लेटर में DPEE कोड डाल दोगे। ये कोड डाल दोगे तो सिंपली आपका कह सकते हो इसमें इनरोल हो जाओगे। डेली रात के 9 बजे से अगले दिन रात के 8 बजे तक ये टेस्ट चल रहा है। इन सभी टेस्ट को आप भी दीजिए, अपने दोस्तों तक बोलिए वो भी दे, ताकि सबको आप लोग अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सके, एग्जिट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया था, किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो ध्यान दीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेज इज इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। जी हाँ, इनमें से कौन सा सिक्वेंसेज किसी भी पार्टिकल के साइज रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है। देखिए, जब कोई पार्टिकल होता है उस पर हम क्या करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, तो पार्टिकल कैसे कैसे टूटेगा। पहले पार्टिकल में थोड़ा सा क्या होगा, फ्लॉज आएगा, फिर उस पार्टिकल में क्रैक होगा, क्रैक होगा देन क्लीवेज हो जाएगा, यानी वो अलग अलग हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से पार्टिकल अलग हो जाएगा, है ना, अलग अलग पार्टिकल आपका इस प्रकार से अलग होकर ढेर सारा पार्टिकल बन गया। तो वही बोला गया है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी भी साइज घटाते हैं पार्टिकल का, उस पार्टिकल में साइज घटने के दौरान कौन कौन सा मैकेनिज्म आता है, क्रॉक फिर फ्लॉज या क्रैक, या फिर फ्लॉज, या फिर फ्लॉज एंड क्लीवेज, क्लीवेज फ्लॉज एंड क्रैक, या फिर पहले फ्लॉज आएगा, क्रैक आएगा, या क्लीवेज आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके फार्मासिस्ट वगैरह में, बहुत बार पूछा गया है, एग्जिट एग्जाम में भी आने की संभावना है। क्या है, फ्लॉज, क्रैक एंड क्लीवेज, ये तीन मैकेनिज्म, तीन स्टेप में ये आपका टूटता है। जैसे कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल है तो उसमें फ्लॉज वगैरह रहता ही है, जब इम्पैक्ट डालोगे तो फ्लॉज वगैरह रहेगा, तो फिर इम्पैक्ट डालोगे, फिर उसमें चोट पहुंचाओगे तो ये क्रैक हो जाएगा, ये जहां जहां पे भी निशान रहेगा, धारी रहेगा, उसमें ये क्रैक आ जाएगा। जब क्रैक आ जाएगा तो फर्दर इस पर इम्पैक्ट डालोगे, फर्दर इस पर चोट पहुंचाओगे तो क्रैक ये टूट के आपका क्लीवेज हो जाएगा, है ना, क्लीवेज हो जाएगा। यानी पहले क्या है, पहला है फ्लॉज, फिर देन आएगा क्रैक, फिर देन आएगा क्लीवेज, फ्लॉज, क्रैक और क्लीवेज, ये तीन आपके मैकेनिज्म लगते हैं साइज को घटाने में, तीन प्रक्रिया के द्वारा ये साइज घटता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके डिजाइन किए गए इसमें। फिर उसके बाद साइज सेपरेशन से भी क्वेश्चन था, साइज क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म। भैया, साइज का क्लासिफिकेशन करना क्या कहलाता है। देखो, किसी भी पार्टिकल, अलग अलग साइज के पार्टिकल है, बड़ा साइज है, मीडियम साइज है, छोटा साइज है, अलग अलग साइज के पार्टिकल है, इनको इनके साइज के हिसाब से क्लासीफाई करना, क्लासीफाई करना क्या कहलाता है, साइज का एनालिसिस, साइज का डिस्ट्रीब्यूशन, साइज का फिर आपका रिडक्शन, या फिर साइज का सेपरेशन, क्या चीज बोली जाएगी, किसकी बात हो रही है, साइज का क्लासिफिकेशन बोला जा रहा है। तो भैया, अलग अलग पार्टिकल के साइज के हिसाब से उनको क्लासिफाई करना, उनको अलग करना क्या कहलाता है, सेपरेट करना कहलाएगा। तो क्या हम इसको साइज सेपरेशन टर्म दे सकते हैं, बिल्कुल साइज सेपरेशन बोल सकते हैं, यानी कि आपका साइज का क्लासिफिकेशन उनके साइज के हिसाब से वो क्या कहलाएगा, साइज का सेपरेशन कहलाएगा, है ना, साइज का सेपरेशन किसी भी आपके सीविंग मैकेनिज्म, सीविंग मेथड के द्वारा करते हैं ना, वो क्वेश्चन आपका बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया है, चूज द मिल दैट डज नॉट इन्वॉल्व सीयरिंग मैकेनिज्म फॉर साइज रिडक्शन। इनमें से कौन सा मिल है जिसमें सीयरिंग मैकेनिज्म, सीयरिंग प्रिंसिपल नहीं लगता है साइज को घटाने में। तो भैया, कोलाइडल मिल, ये भी सीयरिंग प्रिंसिपल पे बेस होता है, एज रनर मिल और एंड रनर मिल, क्या क्रशिंग एंड सीयरिंग, ये दोनों किस पे, क्रशिंग एंड
सियरिंग के प्रिंसिपल पे बेस है। कौन कौन सा? आपका कोलाइडल मिल सियरिंग पे बेस है और एज रनर एंड रनर भी सियरिंग और क्रशिंग पे बेस है। लेकिन जो हैमर मिल है ना वो किस पे बेस होता है? इम्पैक्ट के बेस पे होता है। जी हाँ, इम्पैक्ट पे बेस होता है। तो पूछा है नॉट इन्वॉल्व सियरिंग, तो भैया इसमें हैमर मिल में ही तो सियरिंग इन्वॉल्व नहीं होगा, बाकी तीनों में सियरिंग है ना, तो नॉट इन्वॉल्व होगा हैमर। क्यों? क्योंकि भैया हैमर मिल में आपका इम्पैक्ट प्रिंसिपल लगता है ना। कौन सा प्रिंसिपल लगेगा डियर? इम्पैक्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बी वाला क्या है कि देख सकते हो ना, अगर हम बात करते हैं कोलाइडल मिल की तो ये भी सियरिंग प्रिंसिपल, एज रनर मिल और एंड रनर मिल भी क्रशिंग और सियरिंग लगता है, लेकिन इम्पैक्ट की बात कर ले तो ये आपका हैमर में लगेगा। तो यही आपका ऑप्शन नॉट हो गया, यहीं से क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पाउडर के क्लासिफिकेशन से। द पाउडर विच पास थ्रू द सीव विथ नॉमिनल अपर्चर साइज 1.7 mm या सीव नंबर 10। भैया ऐसा जो पाउडर जो कि सीव नंबर 10 नंबर सीव से पूरा 100% पास हो जाता है, उसका नॉमिनल मेस अपर्चर साइज कितना? 1.7 mm, तो वो पाउडर कहलाएगा क्या? वेरी फाइन पाउडर, फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर या नन ऑफ द अबव। भैया तो आपने जब ग्रेड ऑफ पाउडर पढ़ा है तो वहां पे ये देखा है कि भैया 10 नंबर सीव से जो पूरा 100% पास हो जाता है, कितने नंबर सीव से? 10 नंबर सीव से ना, तो वो कहलाता है क्या? वो सिंपली आपका कहलाएगा साइज का यहाँ पे देख सकते हो, वेरी फाइन नहीं बोला जाएगा, कोर्स बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस टेबल से आप देख सकते हो। देखो कोर्स पाउडर वो पाउडर हुआ जो कि 10 नंबर सीव से पूरा 100% पास हो जाए, उसका नॉमिनल मेस अपर्चर साइज इतना है देख लेना, और फिर 44 नंबर सीव से 40% से ज्यादा पास ना हो, है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कोर्स पाउडर। जबकि मॉडरेटली कोर्स पाउडर वो पाउडर होगा जो कि 22 नंबर सीव से पूरा 100% पास हो, 60 नंबर सीव से 40% से ज्यादा पास ना हो। तो ये इसे आपको 10/44 बोल सकते हो, इसे आप 22/60 बोल सकते हो, है ना, ऐसे याद करना है, बाकी इन दोनों को भी याद कर लो। मॉडरेटली कोर्स पाउडर जो कि 44 नंबर सीव से पूरा 100% पास हो और 85 नंबर सीव से 40% से ज्यादा पास ना हो, तो 44/85 बोल सकते हो। और फाइन पाउडर जो कि 85 नंबर स्वीप से पूरा 100% पास हो जाता है और वेरी फाइन में 120 नंबर स्वीप से पूरा 100%, यहाँ पे इधर 40% वाला फिनोमेना नहीं आता। तो ऐसे कर करके पाउडर से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ बाल मिल द बाल चार्ज यानी परसेंट वॉल्यूम ऑफ मिल फिल्ड बाई द बाल शुड बी। भैया बाल मिल का अगर इफेक्टिवली आप चाहते हो कि वो अच्छे से काम करे तो जो बाल की कैपेसिटी होगी यानी इसमें जो बॉल्स रहेंगे ना वो इसके कैपेसिटी के कितने परसेंट होने चाहिए? भैया कितने परसेंट होने चाहिए? 60% होने चाहिए, 40% होने चाहिए, 30% से कम या 50% से ज्यादा? तो भैया देखो बाल मिल एक हॉलो सिलेंडर होता है, इसमें पाउडर जिसका साइज घटाना उसे रहेगा और ढेर सारी बॉल्स रहेंगी, तो बॉल का वॉल्यूम कम से कम 60% बॉल का वॉल्यूम रहे और 40% के अपेक्षा आपका पार्टिकल रहे, तो अच्छे से 40 से कम भी हो सकता है, अप टू द 60 है, एकदम 60 भी नहीं होगा, अप टू द 60 है। तो कह सकते हो ना 60% आपका वॉल्यूम किससे फिल होना चाहिए? बाल से। यहाँ पे देख सकते हो ना बॉल से 60% और मटेरियल होना चाहिए, तो ये घूमेगा तो मटेरियल पे इम्पैक्ट भी लगेगा। क्या लगेगा डियर? इम्पैक्ट भी लगेगा और एट्रिशन भी लगेगा, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों लगेगा, तो सिंपली आपका साइज इसका घट जाएगा, ठीक है, साइज इसका घट जाएगा। तो ये आपका यहाँ से देख सकते हो किसका, बाल मिल के प्रिंसिपल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर, है ना। अगला यहाँ पे बस इतने क्वेश्चन, यानी ये कुछ क्वेश्चन हमने दिखाए जो कि इम्पोर्टेंट इस टेस्ट में आए थे। इस टेस्ट में आगे वाले आने वाले जो भी टेस्ट है उस टेस्ट को देते रहिए, हर रात रात के 9 बजे से लेकर के अगले दिन रात के 8 बजे तक ये टेस्ट होता है और घर बैठे दे सकते हो, फुली आप कह सकते हो टोटली फ्री टेस्ट होने वाला है और कंप्लीटली आप कह सकते हो सेटिस्फाई हो सकते हो। वही GDC क्लासेस ऐप पे जाना है, वहाँ पे बैचेस के साइन में प्लस के साइन में DPE कोड डाल दो, फ्री में जुड़ जाओगे, कोई पैसा नहीं लगना है। और कैसे इसको विजिट करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन वगैरह को भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो वगैरह डल जाएगा, उसको भी देखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।